हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रश्मि शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स. टुडे वी विल डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मरकरी लैम्प. देख लीजिए, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मरकरी लैम्प विद द हेल्प ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. ओके, तो मरकरी लैम्प और सोडियम लैम्प, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मरकरी लैम्प एंड सोडियम लैम्प? सोडियम लैम्प ऑलरेडी आप लोग को नोन है. सोडियम लैम्प एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है और मरकरी लैम्प पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है. तो मोनोक्रोमेटिक एंड पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है? मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक, और क्रोमेटिक मतलब कलर. तो ये है पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ कलर्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि स्पेक्ट्रम पूरा देखने को मिलेगा. तो जो बैंड ऑफ कलर्स हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम. तो विव ग्योर का नाम आप लोग ने सुना होगा. तो विव ग्योर यानी पूरा स्पेक्ट्रम, जो विजिबल रीजन में जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. और इसमें एक फिजिक्स का फिनोमिना, ये जो एक्सपेरिमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी में आप लोग कई स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, विवर्तन भी बोलते हैं. तो व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, जब ऑब्स्टेकल, जब किसी ऑब्स्टेकल से लाइट टकराती है तो क्या होती है, बैंड हो जाती है. तो बेंडिंग ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन. तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन का फिनोमिना हम लोग यूज़ करेंगे. और ग्रेटिंग क्या है? तो ग्रेटिंग का जो फुल आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो थ्योरी में मिलेगा, जब यूनिट नंबर 4 इंटरफेरेंस प्लस उसमें डिफ्रैक्शन का भी टॉपिक है. तो जब डिफ्रैक्शन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी में, तो वहाँ पर आपको फुल आइडिया दिया जाएगा कि व्हाट इज़ ग्रेटिंग. फिलहाल आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि आप लोगों ने ट्वेल्थ में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, डबल स्लिट पढ़ा होगा. ग्रेटिंग जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स यानी एन नंबर ऑफ स्लिट्स. तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा और जो हम एपरेटस यूज़ करेंगे वो क्या है, ग्रेटिंग, ठीक है. नाउ जो इसमें मेन एपरेटस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक ग्रेटिंग, एक स्क्वायर शेप में ग्रेटिंग यूज़ करते हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होती हैं, ठीक है. तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, स्पेक्ट्रोमीटर, नाम से समझ में आ रहा हो, स्पेक्ट्रोमीटर एक एपरेटस है, इसकी हेल्प से हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं. तो क्योंकि ये पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है मरकरी, तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कलर्स दिखेंगे और हर एक कलर का आप लोग को मालूम है, विव ग्योर जो भी बताया मैंने, विव ग्योर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है. तो उसी वेवलेंथ को हम डिटरमाइन करेंगे, रेड, येलो, ग्रीन, है ना, सब मिक्स जो कलर आएंगे, स्पेक्ट्रम आएगा, उसका पूरी सबकी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे. ओके, मरकरी लैम्प बता चुके हैं, मरकरी लैम्प वाइट लाइट भी बोलते हैं इसको, और ये पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट भी है. रीडिंग लेंस, लेंस की हेल्प से हम लोग रीडिंग लेते हैं, है ना, जूम करके. नाउ फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? फार्मूला आप लोग देख रहे हो, फार्मूले में हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, लैम्डा. तो यहाँ तो देखिए सिंगल फार्मूला गिवन है, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा, ये जनरल फार्मूला है. इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए इसका अलग अलग कैलकुलेशन करके आप लोगों को दिखाएंगे. तो इस फार्मूले का डेरिवेशन जो है, ये आप लोग थ्योरी में देखोगे यूनिट नंबर 4 में, जो डिफ्रैक्शन पूरा एक सेक्शन है, थ्योरी का पूरा डेरिवेशन है उसमें. तो फिलहाल आप लोग ये समझ लीजिए कि इसमें सिंबल क्या क्या शो कर रहे हैं. तो E प्लस डी, सबसे पहले देखिए आपको E प्लस डी दिख रहा है, E प्लस डी को बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट. और ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू हर एक पर्टिकुलर ग्रेटिंग की डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक. ये डिपेंड करती है कि उसमें लाइंस कितनी है. जैसे अभी हमने बताया ग्रेटिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स. तो स्लिट्स बोलिए, लाइन बोलिए, एक ही बात है. तो जैसे हमने जो यहाँ पर ग्रेटिंग यूज़ करेंगे लैब में, उसमें 15,000 LPI means lines per inch, एक इंच की जो ग्रेटिंग होगी उसमें 15,000 करीब 15,000 lines यहाँ पर होंगी. और उसको फिर हम देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 inch इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 15,000. तो E प्लस डी ग्रेटिंग एलिमेंट इस तरीके से इसमें कैलकुलेट करते हैं. ओके, नाउ थीटा, थीटा तो एंगल है, लेकिन यहाँ पर डिफ्रैक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं,
तो डिफ्रैक्शन मतलब कितने एंगल से लाइट बैंड हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लाइट बैंड होती है, ठीक। तो अभी आपको पता चलेगा जब हम कैलकुलेशन बताएंगे कि रेड के लिए ज़्यादा बैंड होती है, वायलेट के लिए लीस्ट बैंडिंग होती है, तो वो सब अभी क्लियर होता है आपको। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक। तो एन 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एन इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 1, क्योंकि ऑर्डर मीन्स होता है पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, वायलेट टू रेड, यही हम लोग देख सकते हैं। वायलेट से पहले क्या आता है? अल्ट्रावायलेट, एंड आफ्टर रेड कलर आता है इंफ्रारेड। ओके, तो इंफ्रारेड विजिबल नहीं है और अल्ट्रावायलेट विजिबल नहीं है, तो जो विजिबल रीजन हमारा आता है विवग्यो, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वायलेट टू रेड ये हम लोग देख सकते हैं। तो अगर स्पेक्ट्रम हमारा वायलेट टू रेड रिपीट हो रहा है कई बार, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर वेरी कर जाएगा। तो फिलहाल जो हम लोगों ने ग्रेटिंग यूज़ की है, इसमें हम लोग को सिंगल स्पेक्ट्रम दिख रहा है फ्रॉम वायलेट टू रेड, रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक बार दिख रहा है, इस वजह से एन की वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे? 1। ओके, नाउ लेमडा तो नोन है सभी को, जो हम कैलकुलेट करेंगे। लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ मरकरी लैम्प, और मरकरी लैम्प में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएंगे उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ आएगा। ये देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट चार्ट में शो किया गया है। तो नॉर्मल सा मरकरी लैम्प है, कोलीमेटर, कोलीमेटर अभी आप लोग को यहाँ दिख रहा है, फिर एपरेटस में भी हम शो करेंगे कोलीमेटर। उसके बाद यहाँ पर ये प्रिज्म टेबल होती है ना, तो कभी इसमें प्रिज्म का एंगल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। और प्रिज्म में भी आप लोग को पता है हम डिफ्रैक्शन देख स्पेक्ट्रम देखते हैं, कलर्स देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ग्रेटिंग, ना कि प्रिज्म। ओके, लेकिन प्रिज्म का भी यूज़ करके दूसरे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एंगल निकाला जाता है, ठीक है। तो ये प्रिज्म टेबल है, यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट रेज कलर्स दिखाई दे रही। वाइट लाइट हमारी विवग्योर में कन्वर्ट हो रही है, स्प्रेड हो रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है, बैंड हो रहा है, देखिए लाइट का बैंडिंग हो रही है। और ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप की हेल्प से यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बाद जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, देखिए यहाँ पे चार्ट में वायलेट के लिए डिफरेंट है, ग्रीन, रेड, सबके लिए देखिए डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ऑब्जर्व वैल्यू जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, और स्टैंडर्ड वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रही है, ठीक, तो इसका मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो हमारा सक्सेसफुल है, ठीक, और हमने जो भी प्रिकॉशन रखने चाहिए उसको लेते हुए रीडिंग करेक्टली हमने कैलकुलेशन सही तरीके से किया है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू से अगर मैच कर जाता है इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट ओके है, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं एपरेटस की तरफ। जी देखिए, जो चार्ट पे हमने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये वाइट सोर्स ऑफ लाइट, इसको मरकरी लैम्प भी बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट भी बोलते हैं। और देखिए वाइट लाइट आ रहा है, ठीक है। तो वाइट लाइट में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ कलर्स होते हैं। वाइट लाइट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कलर्स। तो कलर्स हम लोग वही देख सकते हैं जो विजिबल हैं। तो विवग्योर, जिसका आइडिया हम आपको दे चुके हैं, तो विवग्योर यहाँ से जो कलर्स हमको दिखाई देंगे वो कहाँ से? वायलेट टू रेड, बस इतना देख सकते हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट आता है और उसके रेड के आगे इंफ्रारेड, तो वो विजिबल नहीं है, हमारे विजिबल एरिया में नहीं आता है, ठीक। तो ये सोडियम ये मरकरी लैम्प, पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये देखिए कॉलीमेटर, कॉलीमेटर जो मैंने चार्ट में डिस्कस किया है। उसके बाद ये ग्रेटिंग, जो बताया था ग्रेटिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स, एन नंबर ऑफ स्लिट्स, ठीक। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये प्रिज्म टेबल, इसको प्रिज्म टेबल कहते हैं, इसमें प्रिज्म से भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या है? ग्रेटिंग प्लेस की है यहाँ पर। तो ये ग्रेटिंग क्या करेगी? डिफ्रैक्शन का फिनोमेना यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। और लाइट क्या होगी? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है लार्ज नंबर ऑफ कलर्स का, और हर एक कलर जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या होगा? बैंड होगा, है ना, बैंडिंग ऑफ लाइट हो रही है यहाँ पर, डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है। तो वायलेट, ग्रीन, येलो, रेड, इस तरह करके आपको पूरा विवग्योर यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में दिखेगा। और वो हम लोग कहाँ से इसको ऑब्जर्व करेंगे? देखिए टेलीस्कोप, और ये आईपीस है, तो टेलीस्कोप और आईपीस की हेल्प से हम इसको इधर मूव करा सकते हैं।
राइट डायरेक्शन में भी और लेफ्ट डायरेक्शन में भी, ठीक है। अब इसकी रीडिंग कैसे लेनी है, क्योंकि हमें वेवलेंथ लार्ज नंबर ऑफ कलर्स है, हर एक कलर की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ आएगी। सबसे कम वायलेट की होती है, सबसे ज़्यादा रेड की, ये भी मालूम है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए दो स्केल है, तो फिर से वही काम करना है, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला सेम रहेगा, यहाँ भी मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, फार्मूला सेम है, वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहाँ पर आपको जूम करके हम दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर जो स्केल लगी है इसमें कौन सी वर्नियर है और कौन सा मेन स्केल है, ठीक है। तो जूम करके अभी इसको देखते हैं। तो ये देखिए एक 360 डिग्री का एक लार्ज स्केल है, इसको बोलते हैं मेन स्केल, है ना, मेन स्केल। और इसके ऊपर एक छोटा सा 30 डिवीज़न का एक स्केल है, ये जो मूव कर रहा है ये मेन स्केल है 360 डिग्री, और 30 डिवीज़न का एक स्केल है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे, तो लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। तो इसमें 0, 10, 20 ऐसे करके बीच बीच में इनमें डिवीजन्स होते हैं, 20 डिवीजन्स। तो मेन स्केल के वन डिवीज़न की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हर एक डिवीज़न के बीच में 20 डिवीजन्स इज इक्वल टू है 10 डिग्री, तो वन डिवीज़न इज इक्वल टू वन बाई टू डिग्री, यानी कि 0.5 डिग्री। तो मेन स्केल के वन डिवीज़न की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 डिग्री। और वर्नियर में 30 डिवीजन्स हैं, तो कैसे फार्मूला अप्लाई करोगे, मेन स्केल के वन डिवीज़न की वैल्यू अपॉन टोटल डिवीजन्स ऑफ वर्नियर। तो मेन स्केल के वन डिवीज़न की वैल्यू आ गई 0.5 डिग्री अपॉन 30। जब कैलकुलेशन करोगे तो 1/60 डिग्री, ये इसका लीस्ट काउंट है स्पेक्ट्रोमीटर का, ये स्पेक्ट्रोमीटर है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाता है 1/60 डिग्री। तो इस लीस्ट काउंट का यूज़ हम कैलकुलेशन में कैसे करते हैं, जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी जो कॉइंसाइड करती है उस रीडिंग में, 0 से 30 के बीच में कोई डिवीज़न ऐसा होगा जो मेन स्केल से कॉइंसाइड करेगा, तो जो कॉइंसाइड करेगा उस वर्नियर स्केल की रीडिंग में लीस्ट काउंट, यानी कि 1/60 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें मेन स्केल ऐड करेंगे, फिर टोटल डिवीज़न आएगा, टोटल रीडिंग आएगी। तो कैसे करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, चलिए इसको चेक करते हैं जरा। सबसे पहले इस एपरेटस को अलाइन कर लेते हैं सेम डायरेक्शन में, उसके बाद ये जो वाइट लाइट यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये एडजस्टमेंट करके वाइट स्लिट यहाँ पर देखते हैं, ठीक। और यहाँ जो दो स्केल लगे हुए हैं उसमें से किसी एक स्केल पे आपको फोकस करना है, दोनों स्केल से रीडिंग नहीं लेनी है, एक से रीडिंग लेनी है। तो वाइट लाइट के लिए पहले रीडिंग यहाँ पर इस स्केल से हम लोग काउंट कर लेंगे, मेन स्केल की प्लस वर्नियर, और वर्नियर में लीस्ट काउंट यानी कि 1/60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी वाइट लाइट की। उसके बाद जब आप यहाँ पर मूव कराओगे इसको, हमने बताया ना स्पेक्ट्रम दोनों साइड आता है, लेफ्ट डायरेक्शन में भी और राइट डायरेक्शन में भी, तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है, क्योंकि फॉर्मूले में होता है E+D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो लेमडा कैलकुलेट करने के लिए E+D हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोग को, एन को वन रखना है, मेन एम हमारा क्या है, इस एपरेटस से कैलकुलेट करेंगे थीटा। तो पहले वायलेट पे सेट करेंगे इसको, उसके बाद ग्रीन, येलो, रेड सब पे सेट करेंगे, और रीडिंग लेने का पैटर्न वैसे ही है कि पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ से वायलेट पे हम इसको सेट कर लेंगे क्रॉस वायर को, ये हमने सेट कर लिया वायलेट पे। उसके बाद रीडिंग लेंस की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। उसके बाद फिर से इसको मूव कराएंगे और ग्रीन, ये देखिए, तो ग्रीन स्लिट पर रख लेते हैं, ग्रीन कलर पर, उसके बाद रीडिंग लेंगे, फिर येलो एंड देन रेड। तो इस तरह तीन चार रीडिंग आपको यहाँ से ऑब्जर्व करनी है, और फिर इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम हाँ, तो ग्रेटिंग में, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो भी हम लोग ने ऑब्जर्वेशन, जो भी रीडिंग ली थी, अब देखिए उसको फिल कैसे करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में, और कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए कुछ लीस्ट काउंट वगैरह ये सब यहाँ पर हम लोग को फिल करना है पहले। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ रूलिंग्स पर इंच ऑन द ग्रेटिंग, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बता चुके हैं हम जब हमने चार्ट में डिस्कस किया था कि जो ग्रेटिंग में
नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ रूलिंग्स, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ स्लिट भी बोल सकते हो। तो यहाँ जो हम ग्रेटिंग यूज़ कर रहे हैं उसमें 15,000 नंबर ऑफ लाइंस हैं। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेटिंग में डिफरेंट होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट सिस्टम देखिए क्या है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के लिए फार्मूला हमने बताया था, तो उसके लिए आपको ये सब फिल करना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न ऑफ MS, MS मीन्स मेन स्केल। तो मेन स्केल के वन डिवीज़न की वैल्यू 0.5 यानी कि 1/2 डिग्री कैलकुलेट करा था हम लोगों ने। उसके बाद टोटल डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल VS, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 30। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन्स, टोटल डिवीजन्स किस पे हैं, वर्नियर पे। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, कितना आया, 0.5, और टोटल डिवीजन्स कितने थे, 30। तो आफ्टर कैलकुलेशन क्या वैल्यू मिलेगी, 1/60 डिग्री। तो ये लीस्ट काउंट है। अब इसका यूज़ देखिए कैसे करते हैं, तो उसके लिए टेबल पे चलते हैं। तो टेबल में जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, टेबल में हमको क्या, देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लिखे हैं यहाँ पे, वायलेट, ग्रीन, येलो, रेड, जो विव ग्योर बताया हमने कि बहुत सारे कलर्स दिखेंगे। तो उसमें से जो हमें बहुत क्लियर कट, बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं कलर्स, वो हमने ले लिए। यहाँ पर चार कलर्स लिए हैं, वायलेट, ग्रीन, येलो एंड रेड। ठीक, तो अब देखिए वायलेट पे जब हमने सेट किया था अपने अपेरेटस को, तो मेन स्केल की रीडिंग, स्पेक्ट्रम की रीडिंग हम चेक करने जा रहे हैं जो टेलीस्कोप से हमने ऑब्जर्व की थी। तो मेन स्केल की रीडिंग आई थी 158 डिग्री। ये देखिए डिग्री में, ये मेन स्केल की सारी रीडिंग हमारी डिग्री में रहेंगी, और वर्नियर की डिग्री में तब आएगी जो कॉन्साइड करेगा वो डिवीज़न लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे 3 कॉन्साइड किया था 30 में से, और इंटू 1/60। ये देखिए 3/60 यहीं पर डायरेक्ट कर दिया है। तो लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई हम लोग कहाँ करते हैं, वर्नियर स्केल की रीडिंग में, दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल आएगा वैल्यू, वो भी हमारा डिग्री में आएगा। इसी तरह ग्रीन, येलो और रेड सबकी हमने रीडिंग यहाँ पर ऑब्जर्व कर ली, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया वर्नियर स्केल की रीडिंग में, दोनों को ऐड किया, और ये देखिए हमारे चार रीडिंग यहाँ पर रेडी हैं, वायलेट, ग्रीन और येलो एंड रेड की। ओके, अब इधर देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें थीटा कैलकुलेट करना है, और थीटा के लिए हम बता चुके हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट स्लिट यानी वाइट लाइट की आप देखते हो, उसके बाद वायलेट, ग्रीन ऐसे करके, तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है। और थीटा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होता है, वायलेट के लिए अलग आएगा, ग्रीन के लिए अलग आएगा, है ना। तो ऐसे करके हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए थीटा कैलकुलेट करना है। तो हमें वाइट स्लिट की सिंगल रीडिंग लेनी है, इसको वेरी नहीं कराना है, इसकी सिंगल रीडिंग होगी। तो वाइट स्लिट की देखिए एक रीडिंग ली है हमने मेन स्केल की 170 डिग्री, और वर्नियर की फिर वही काम करना है हमको, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, ये वाइट स्लिट की सिंगल रीडिंग आ गई। ठीक, आप क्योंकि थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे वाइट स्लिट से ग्रीन, येलो और रेड लाइट, रेड जो स्लिट है उसका थीटा कितना, वो डिफ्रैक्ट कर रही है, कितना बैंड कर रही है लाइट को, वो चेक करते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, थीटा इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी। तो ए हमारा है ये कलर्स की जो रीडिंग है, उसको हमने ए डिनोट किया है लेटर ए से, और बी हमारी वाइट स्लिट की रीडिंग है। ये देखिए इसमें से जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से, क्योंकि डिफरेंस का साइन लगा हुआ है, तो याद है कि वाइट स्लिट की रीडिंग है 170, और वायलेट, ग्रीन, येलो, रेड इन सब कलर्स की रीडिंग लेस देन वाइट स्लिट की रीडिंग है। इस वजह से क्या करने जा रहे हैं, 170 में से हम हर एक वैल्यू को माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो देखिए थीटा की वैल्यू 11 डिग्री, कहीं 14 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, कुछ इस टाइप से वैल्यू आएंगी। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट थीटा आ गया। अब फार्मूला यूज़ करेंगे, तो फार्मूला जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फार्मूला क्या होता है, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो सपोज करिए हमको लेमडा वायलेट कैलकुलेट करना है, वायलेट की वेवलेंथ चेक करनी है कितनी आती है, तो कैसे चेक करोगे, ई प्लस डी साइन थीटा अपॉन एन। थीटा में सफिक्स में हम देखिए वी लिख रहे हैं, तो थीटा वी हमारा कौन सा हो जाएगा, ये जो फर्स्ट आपने लिया है ये थीटा वी, उसके बाद थीटा जी, जी फॉर यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, थीटा येलो एंड थीटा रेड। ठीक, तो सबसे पहले वायलेट की चेक करते हैं क्या रेटिंग आती है,
ई प्लस डी बता चुके हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁴। तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1.6 × 10⁻⁴, साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी डिग्री में है तो साइन 11.9, कैलकुलेटर से इसकी रीडिंग फाइंड आउट करेंगे, अपॉन एन, एन बता चुके हैं क्या है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, तो क्योंकि सिंगल स्पेक्ट्रम दिख रहा है हमको तो एन की वैल्यू हमको क्या यहाँ पर पुट करनी है, 1। तो जब इनका कैलकुलेशन किया जाएगा तो आफ्टर कैलकुलेशन वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट, वायलेट कलर ये देखिए यहाँ पर ये ऑब्जर्व वैल्यू है, इसी तरह ग्रीन के लिए कैलकुलेशन किया तो ये आई येलो एंड ये रेड, और जब इन ऑब्जर्व वैल्यू को, इनको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं, इसको जब हमने स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर कराया तो अप्रॉक्सीमेटली सेम मिली हमको, तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं डिफ्रेक्शन मेथड और ग्रेटिंग के हेल्प से, और इसके परसेंटेज एरर भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम है, स्टैंडर्ड डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड इनटू 100। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए आप लोग एरर भी चेक कर सकते हो कि आपने कितना एक्यूरेट वर्क, कितना एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ओके, तो ये मेन है कि डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की हेल्प से देखा आप लोगों ने कि हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ कितना ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।